दोस्तों, भारत सरकार ने इस साल 4 हस्तियों को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया है, जिनमें भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ श्री जनरल बिपिन रावत सर हैं, पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह, गीता प्रेस गोरखपुर के चेयरमैन राधे श्याम खेमका और साथ ही शास्त्रीय गायिका प्रभा आत्रे भी शामिल हैं। वहीं 17 हस्तियों को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया, जिनमें गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला और कोरोना वैक्सीन बनाने वाली सीरम इंस्टीट्यूट के मालिक साइरस पूनावाला भी शामिल हैं। इसके साथ ही 107 हस्तियों को पद्मश्री सम्मान से भी सम्मानित किया गया, जिनमें ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा का नाम भी शामिल है। आपको क्या लगता है, इनमें से आपके आइडल कौन है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और ऐसे ही अमेजिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। दोस्तों, भारत सरकार ने इस साल 4 हस्तियों को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया है, जिनमें भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ श्री जनरल बिपिन रावत सर हैं, पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह, गीता प्रेस गोरखपुर के चेयरमैन राधे श्याम खेमका और साथ ही शास्त्रीय गायिका प्रभा आत्रे भी शामिल हैं। वहीं 17 हस्तियों को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया, जिनमें गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला और कोरोना वैक्सीन बनाने वाली सीरम इंस्टीट्यूट के मालिक साइरस पूनावाला भी शामिल हैं। इसके साथ ही 107 हस्तियों को पद्मश्री सम्मान से भी सम्मानित किया गया, जिनमें ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा का नाम भी शामिल है। आपको क्या लगता है, इनमें से आपके आइडल कौन है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और ऐसे ही अमेजिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।